और चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम योगी। सुबह 10:45 पर पीएम आवास पर ये मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना रोकथाम और वैक्सीन पर यहाँ पर बातचीत हो सकती है। विकास योजनाओं पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की जा सकती है। तो देखिए, सुबह 10:45 का यानी कि 11:15 का वो समय होगा जब मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और देखिए, क्योंकि तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं, काफी अहम ये मुलाकात हो जाती है। सुबह 10:45 का समय तय किया गया है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें कि कुछ ही घंटे बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलेंगे सीएम योगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी 12:30 जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है, कैबिनेट विस्तार पर भी बात हो सकती है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है चुनाव से पहले। तमाम नाम भी सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये बैठक, ये मुलाकात काफी अहम। और देखिए, इन मुलाकातों से जो लगातार बैठक हो रही है, क्योंकि इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की, अब यह समझा जा सकता है कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुटती नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए, मोदी योगी मुलाकात में आखिर क्या होगा आपको बताते हैं। योगी के कप्तान होंगे इस बार, फाइनल मुहर लग सकती है। दरअसल ये जो मुलाकात, इसमें क्या होगा ये आपको बता रहे हैं। यूपी बीजेपी में खिंचतान की खबरों पर क्या विराम लगेगा? देखिए, आज बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात होनी है 2022 को लेकर। दिल्ली से यूपी सब साथ है, ये संदेश भी कहीं ना कहीं दे दिया जाएगा। यूपी चुनाव में योगी ही सीएम चेहरा होंगे, इस पर मुहर लगेगी। हालांकि लगातार यही खबर सामने आ रही है कि सीएम योगी ही होंगे, इसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। योगी सरकार में नए चेहरों को शामिल भी किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल में क्या जगह नए चेहरों को मिलेगी? नाराज विधायकों को संगठन में बड़ा पद मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि नुसरत जहां के शादी विवाद के बाद अब एक नया खुलासा हुआ है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में गैंगरेप मामले में नुसरत का कनेक्शन सामने आया है। बिल्कुल, देखिए 2012 गैंगरेप के आरोपी से शादी करने वाली थी नुसरत जहां, ये बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी कादिर खान को पुलिस से बचाने की कोशिश भी वहां पर की गई थी। 2016 में कादिर खान गिरफ्तार किया गया था और इस पर लगातार बड़ी खबर हम आपको बताते रहेंगे। तो देखिए, लगातार नुसरत जहां विवादों में फंसती जा रही हैं, मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही है। पहले शादी को लेकर जो उन्होंने कहा कि उनकी शादी अवैध है, उसके बाद तमाम सवाल उनसे पूछे गए कि कैसे ये शादी अवैध हो जाती है, और उसके बाद अब उनका नया कनेक्शन। तो देखिए, नुसरत जहां के मामले में रोज एक नया ट्विस्ट सामने आता है। आज हिंदुस्तान नुसरत पर एक बड़ा खुलासा करेगा। आपको बता दें कि साल 2012 से लेकर 2021 तक नुसरत का नाम कई बार विवादों में आया है। 2012 में गैंगरेप के आरोपी से नुसरत का कनेक्शन सामने आया, तो साल 2019 में निखिल जैन से शादी के बाद नुसरत जहां कट्टरपंथियों के निशाने पर आए। अब एक नया विवाद सामने आया है जिसमें फिल्म स्टार यश दास गुप्ता से कनेक्शन सामने आया, और इसे ही निखिल जैन के साथ हुए विवाद की वजह माना जा रहा है। तो देखिए, आपको सुनाते हैं, उस वक्त नुसरत ने कहा था कि वो फरार कादिर खान से मिली ही नहीं थी, आप सुनिए। और कादिर সম্পর্কে আমি এতটায় বলবো যে সে তো নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বা কি করে একটা মানুষের ভেতরে কি আছে জানতে পারবো? যদি আমি জানতাম যে এরকম, আমি আজ পর্যন্ত, আমি তো অনেক বছর ধরে ওকে চিনি, আজ পর্যন্ত স্লাইটেস্ট আমি হিন্ট দেখিনি ওর মধ্যে যে ওরকম কিছু একটা করতে পারে। তাই জন্যই আমি ওর সাথে ছিলাম। আজকে যদি কেউ জানতো যে মানুষটা এরকম হবে, সে কি তাকে নিয়ে তার মা বাবার সাথে কখনো ইন্ট্রোডিউস করায় বা তার ফ্যামিলির সাথে কোনো রিলেশন গড়ে তোলার চেষ্টা করবে? কখনো নয়, সেটা তো অজান্তে হয়েছে। 5ই ফেব্রুয়ারির পর থেকে কাদেরের সঙ্গে আপনার কোনো যোগাযোগ হয়েছে? 5ই ফেব্রুয়ারির পর কাদেরের সাথে আমার সেরকম কোনো যোগাযোগ হয়নি, বিকজ আমাদের একটা এ ছিল যে যেরকম গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডে নর্মালি হয় আর কি, ঝগড়া হয়ে গিয়ে থাকলে আমরা মাসের পর মাস কথা বলি না, একে অপরকে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করি না। তো এখন তোর ফোনই পাওয়া যাচ্ছে না, আমি চেষ্টা করেছি অনেক তাকে ফোন করার, তার নাম্বার পাওয়া যাচ্ছে না। तो देखिए, जब नुसरत जहां ने निखिल जैन पर आरोपों की बौछार की, तो अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि नुसरत जहां के आरोप पर निखिल जैन ने भी पलटवार कर दिया है।
निखिल जैन ने दावा किया है कि उन्होंने कई बार शादी रजिस्टर करवाने को कहा, नुसरत ने हर बार मांग को दरकिनार किया है। हमने तुर्की में शादी की थी, ये बात निखिल ने कही। हम पति पत्नी की तरह रह रहे थे, लेकिन अब नुसरत जहां ने शादी को ही अवैध कह दिया है। तो देखिए, बहुत बार लगातार निखिल जैन नुसरत जहां को ये कहता रहा कि शादी रजिस्टर करवानी चाहिए, और इस बात से हमेशा मना करती हुई नजर आई नुसरत जहां। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पीएम से उद्धव की मुलाकात के बाद घमासान मचा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पीएम की तारीफ की है। बिल्कुल, देखिए, पीएम की तारीफ के बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि पूरे 5 साल चलेगी सरकार, अगले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मुलाकात के बाद इतनी तारीफ की जाएगी, और जो महाराष्ट्र में हमने वो सियासत देखी जब उद्धव ठाकरे सीएम बन रहे थे, उस वक्त क्या कुछ हुआ, इसी को लेकर अब ये सब कुछ की आखिर इतनी तारीफ क्यों? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे की मीटिंग के शिवसेना सांसद संजय राउत का एक बयान यहाँ पर सामने आया है। और देखिए, उन्होंने पीएम मोदी को देश और बीजेपी का शीर्ष नेता भी बता दिया, ये बात उन्होंने कही। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आ गया। रिपोर्ट देखिए आप। तारीफ, भरोसा और महाराष्ट्र का पावर गेम। उद्धव कौन सा वाला वादा निभाएंगे? उद्धव राउत की जुबान पर मोदी मोदी। दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम उद्धव ठाकरे की मुलाकात क्या हुई कि महाराष्ट्र के महागाड़ी सरकार की नैया डोलने लगी। हालांकि दिल्ली में हुई पीएम मोदी के साथ बैठक में उद्धव के साथ अजीत पवार और कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण भी मौजूद रहे, लेकिन पीएम मोदी ने उद्धव से करीब 10 मिनट की मुलाकात अलग से की। इसको लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी भी चर्चाएं हैं कि फिर से महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी गठजोड़ का नया फॉर्मूला आ सकता है, क्योंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी को देश और बीजेपी का शीर्ष नेता बना दिया है। आज ही असं मानतो की नरेंद्र मोदी हे भारतीय जनता पक्षाचे आणि देशाचे सगळ्यात मोठे नेते आणि गेल्या 7 वर्षात भारतीय जनता पक्षाला जो यश प्राप्त झालेला आहे। कहते हैं कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए तो आप राजनीति में भी सब कुछ जायज ही पाएंगे। उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी की 10 मिनट की मुलाकात के बाद जब राज्य में उठा पटक शुरू हुई, तो उद्धव ठाकरे के बयान ने एक बार फिर से माहौल गर्म कर दिया। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि अपने पीएम से मिलने गए थे, राजनीति में वो साथ नहीं है लेकिन रिश्ते अभी भी अच्छे हैं। पवार को शिवसेना पर भरोसा है, बाला साहब के वचन को दिलाया याद। पीएम से उद्धव की मुलाकात अब एनसीपी और कांग्रेस को खटकने लगी है, लेकिन इन सब बातों को नकारते हुए एनसीपी अध्यक्ष को अतीत में जाना पड़ गया। उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा गांधी के प्रति अपने वचन का सम्मान किया था, सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बहरहाल शिवसेना अपने आप को इस वक्त राज्य का बाघ समझ रही है। संजय राउत का कहना है कि बाघ के साथ कोई दोस्ती नहीं कर सकता, बाघ ही तय करता है कि उसे किसके साथ दोस्ती करनी है। लेकिन एक बात ये भी तय है कि अगर महागाड़ी सरकार के सूत्रधार शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से अकेले मिल सकते हैं, तो उद्धव से मिलकर पीएम ये पैगाम भी दे सकते हैं कि उनका दरवाजा सबके लिए खुला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के बयान पर ओवैसी भड़क चुके हैं। दरअसल कहा कि असम में जनसंख्या विस्फोट नहीं है, सीएम ने परिवार नियोजन अपनाने की अपील की थी। और देखिए, बस यही बयान दिया और उसके बाद ओवैसी भड़कते हुए नजर आए। कहा असम में जनसंख्या विस्फोट नहीं है, सीएम ने परिवार नियोजन अपनाने की अपील यहां से की थी, और बस इसके बाद लगातार जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो यहां से शुरू हो गया।